हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड कुछ अदर थ्योरम है उनको भी देख लेते हैं। दो और थ्योरम बचे हैं। थ्योरम नंबर 5 देखिए क्या करें। एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ट्रेपीजियम यहाँ ले लेता हूँ, तो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। इसका नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी डी। अच्छा, इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है और कह रहा है कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक अगर हम लोग साइड्स ड्रॉ करते हैं जो दोनों साइड्स के पैरेलल है ना जी, यहाँ पे जैसे ये हो गया ई एफ, तो ये क्या करता है कि ये नॉन पैरेलल साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। यानी कि हम लोग ए ई बाई ई डी इक्वल टू में बी ई बाई बी एफ बाई में एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो पहले क्या गिवेन है इसको देख लेते हैं। तो गिवेन में हमारे पास है, हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है। अच्छा, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ जो हमने खींचा है, ई एफ इज अ लाइन लाइन पैरेलल 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 टू डी सी एंड ए बी। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेट इज ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। यानी कि ए ई बाई में ई डी इक्वल टू में बी एफ बाई में एफ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक डायगोनल ए सी या बी डी कोई भी एक ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए यही डायगोनल हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमारा एक कंस्ट्रक्शन है ना जी, तो हम लोग इसे डॉटेड कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि मीट कर रहा है ई एफ को कहाँ पे, ऊपर। तो यहाँ पे ले लेते कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी, ए सी को ज्वाइन किए और ये कहाँ हो रहा है, तो देख रहे हैं तो मीटिंग ई एफ इन ओ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग एक एक करके, चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रूफ में। देखिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में तो आप देखो तो यहाँ पर आप ई ओ पैरेलल टू डी सी नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास है ई एफ पैरेलल टू डी सी, तो ये इसका हाफ ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी इक्वल टू में ए ओ बाई ओ सी, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और फिर इसी तरह से अगर हम लोग देखें, अब क्या करते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आपका ओ एफ है ना पैरेलल है ए बी के, क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ई एफ पैरेलल है ना ए बी के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि बी एफ बाई में एफ सी इक्वल टू में हो जाएगा ए ओ बाई में ओ सी, इक्वेशन सेकंड। अब लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से, इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल ही है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ए ई बाई ई डी इक्वल टू में हो जाएगा आपका बी एफ बाई में एफ सी, ये आपका प्रूव्ड हो गया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है सिक्स्थ थ्योरम सिक्स की, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय टू ट्रांसवर्सल प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। अच्छा समझिए, यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि थ्री और मोर पैरेलल लाइन, तो हम लोग थ्री ही पैरेलल लाइन लेके चलते हैं थ्योरम को समझने के लिए। ये मान लीजिए आपके पास थ्री पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। चलिए इन पैरेलल लाइंस का आप नेम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको एल नेम दे देते हैं, इसको एम और इसको एन दे देते हैं, ये थ्री पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे दो ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से और एक ट्रांसवर्सल ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इनका नाम भी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, ये ट्रांसवर्सल को ए बी कह देते हैं, ठीक है।
और ये जो ट्रांसवर्सल है इसको सी डी कह देते हैं, ठीक है। और जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसके पॉइंट को देते हैं पी क्यू आर, और इधर ले लेते हैं ई एफ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद पहले हमें इसको समझना होगा, ये थ्री पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल खींचेंगे टू ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे इनके बीच में जो इंटरसेप्ट हो रहा है ये और ये, यानी कि पी क्यू बाई क्यू आर इसका रेशियो और ई एफ बाई एफ जी का रेशियो, ये दोनों इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए हमारे पास क्या गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि यहाँ पर थ्री पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस एल एम एन विच आर कट बाय द ट्रांसवर्सल्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इन पी क्यू आर एंड ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी देख रहे ना, पी क्यू आर पे और ये ई एफ जी पर कट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, ई एफ जी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू बाई में क्यू आर, ये जो इंटरसेप्ट का रेशियो जो होगा इधर भी वही उसी तरह से ई एफ बाई एफ जी होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रूफ देखेंगे, उससे पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन लेना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर यहाँ से इस पी से होते हुए, पी से होते हुए एक ऐसा यहाँ पर लाइन खींचते हैं जो ये ई जी के पैरेलल हो, ठीक है, या फिर सी डी कह सकते हैं, सी डी के पैरेलल हो, समझे ना बात को, जिसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे लिए हैं कि ये इसके पैरेलल लिए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एम दे देते हैं, यहाँ पे एल दे देते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में जो हमने किया है वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी कि ड्रॉ हमने क्या किया है कि पी एल ड्रॉ किया है सी डी के पैरेलल, ये सी डी के पैरेलल है। अच्छा यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि मीटिंग कर रहा है दो जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर मीटिंग द लाइंस एम एंड एन इन एम कैपिटल एम एंड कैपिटल एल रेस्पेक्टिवली देख रहे हैं ना जी। यहाँ पर ये जो हमने खींचा है ये इसके पैरेलल है, और जो कि M को M पे मीट कर रहा है और N लाइन को यहाँ L पर मीट कर रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तब इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, प्रूफ इसका, चलिए इसका प्रूफ देखिए। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो PE है पैरेलल है इसके, PE पैरेलल है इसके MF के कह सकते हैं, MF के हो जाएगा ना जी, इस पूरे के पैरेलल है, MF के पैरेलल है। अच्छा एंड पी एम जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, क्यों, ये कंस्ट्रक्शन से, ये वाला कंस्ट्रक्शन से ऐसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग, पी ई पैरेलल टू एम एफ, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दिया है कि ये एल जो है पैरेलल है एम के, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड दूसरा जो है हम लोग लिख रहे हैं पी एम पैरेलल टू ई एफ, क्यों, क्योंकि हमने पी एल पैरेलल टू सी डी खींचा है, ठीक है, इसलिए तो इन दोनों से ये इसके पैरेलल, इसे किसी क्वाड्रिलेटर का अपोजिट साइड पैरेलल हो, दोनों बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो तो पैरेलोग्राम ना हो जाएगा, देयरफॉर पी एम एफ ई इज अ पैरेलोग्राम। तो जब ये पैरेलोग्राम हो गया, जब ये पैरेलोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा कि नहीं, यानी कि पी एम जो है इक्वल हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। ऑल्सो या सिमिलरली भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें तो एम एफ पैरेलल होगा एफ जी के, एल जी के, एम एफ एल जी के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एम पैरेलल टू एन है, इसलिए। अच्छा एंड फिर यहाँ पर देखें
तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम एल जो है ना पैरेलल होगा एफ जी के, एम एल एफ जी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है कि पी एल जो है ना पैरेलल है सी डी के, इसलिए। ठीक है, तो अब देयर फॉर यहाँ पे भी जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, किसी क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल जी एफ इज अ पैरेलोग्राम, ये भी आपका पैरेलोग्राम। अगर पैरेलोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि एम एल इक्वल टू में हो जाएगा एफ जी, एम एल किसके इक्वल हो जाएगा एफ जी के हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इन ट्रायंगल पी आर एल, पी आर एल इसमें देखिए यहाँ पर क्यू एम पैरेलल टू आर एल होगा, क्योंकि आपके पास दिया है कि एम एन के पैरेलल है, इसलिए एम एन के पैरेलल है, इसलिए पैरेलल हो जाएगा आर एल के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पी क्यू बाई में क्यू आर इक्वल टू में हो जाएगा पी एम बाई में एम एल हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लो यहाँ पे और इसको सेकेंड लो। अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग अब देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा इसको ना लिख के पहले इसे ही जान लो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि पी क्यू बाई में क्यू आर इक्वल टू, देखिए पी एम के जगह पे क्या करते हैं, तो पी एम इक्वल है किसके, ई एफ के, तो ई एफ लिख सकते हैं ई एफ, और एम एल किसके इक्वल है एफ जी के, तो इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू बाई में क्यू आर और एम ई एफ बाई में एफ जी, यही ना हमें प्रूव करना था। ये कैसे हुआ था, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यहाँ पर हमने इक्वल दिखाया। तो अब ये जब हो गया तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। चलिए आप देखो, इसी थ्योरम का एक कोरोलरी भी दिया है, इसी में समझ लेते हैं। इफ टू और मोर पैरेलल स्ट्रेट लाइन मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन ए गिवन ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट विल मेक इक्वल इंटरसेप्ट इन एनी अदर ट्रांसवर्सल, यानी कि ये इक्वल इंटरसेप्ट, यहाँ पे देखिए ये हम लोग समझ गए हैं कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अभी हमने देखा यहाँ पर, अगर इसी फिगर को देखें तो हम लोग देख जानते हैं कि ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल हो जाएगा, है ना जी, ये इक्वल होगा। अच्छा, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल जो है, ले लेते कि लेट ट्रांसवर्सल आपका ट्रांसवर्सल हम लोग ए बी ले लेते हैं मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ये इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करता है, यानी इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा क्यू आर के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू में वन, इक्वेशन फर्स्ट। एंड हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि ये गिवन होगा, इक्वल इंटरसेप्ट में करेगा, है ना। एंड वी नो डैट कब, जब एल एम और एन पैरेलल होगा यहाँ पे, तो एल एम एन पैरेलल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा जी, ई एफ बाई में एफ जी, ये वाला ई एफ बाई में एफ जी होगा। तो इधर ये देखो इसका वैल्यू है वन, तो वन इक्वल टू में ई एफ बाई एफ जी, तो ये भी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ इक्वल टू एफ जी, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट इक्वल नहीं हो गया, ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हो गए कि नहीं एक दूसरे के यहाँ पे। ये इसका मतलब ये पता चला कि अगर थ्री और मोर पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं तो वो अगर इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं तो अदर ट्रांसवर्सल भी इक्वल ही इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही इसका कोरोलरी था, मैंने इसको यहीं पे शॉर्ट में समझा दिया। तो यही आपके थ्योरम्स थे, मैंने सारे थ्योरम्स बता दिए, अब एक्सरसाइज में चलेंगे और वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे डब्ल्यू 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 डॉट
रविकांत सर डॉट इन, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स मुझे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छप रहा है, लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।